ओवर पोटेंशियल आ जाते हैं। क्या होती है ओवर पोटेंशियल? तो कुछ केसेस में होता है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, क्योंकि क्या होता है हमारे गैशियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो एड्सॉर्ब्ड हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोड सरफेस से। उसकी वजह से क्या होता है वो हिंट्स कर देते हैं हमारे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को। उसका मतलब वो हमारे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो है उसको स्लो डाउन कर देते हैं या फिर उसको कवर कर देते हैं। तो इस स्लो डाउन ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की वजह से क्या होता है हमारा रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम उसे बूस्ट करते हैं या फिर हम उसे एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं जो कि हम क्या कहते हैं ओवर। अब ओवर पोटेंशियल हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द गैस एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी टोटल ओवर पोटेंशियल और ये कलर्ड लाइंस दे रखी हैं जो कि हमारी टाइप्स ऑफ ओवर पोटेंशियल है। तो हम ओवर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? थ्योरेटिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हम मैथमेटिकली इस तरीके से ओवर पोटेंशियल को देखते हैं। अब ओवर पोटेंशियल को ही हम बबल पोटेंशियल भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? तो बबल पोटेंशियल कहने का रीजन है कि जब हम ओवर पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं उसकी वजह से हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैशियस प्रोडक्ट का होता है, और उस गैशियस प्रोडक्ट के इवोल्यूशन की वजह से वो एक फॉर्म ऑफ बबल की तरफ से इवॉल्व होते हैं। तो जैसे ही वो इवोल्यूशन होता है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स होता है, इसलिए हम ओवर पोटेंशियल को बबल पोटेंशियल भी कहते हैं। I carry my heart.